भाई राजपाल यादव जी बोल रहे थे, जब मैं छठी में था तब छोटा था, मैंने कहा भी कौन सा बड़ा हो गया। एक दिन अचानक फोन आया कि वो राजपाल यादव जो है वो आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा भाई ये कौन सी आफत आ गई। बोले स्वामी जी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आचार्य श्री के प्रति भी उनकी अनन्य श्रद्धा है और यहाँ मैं देख रहा था तब जब बेटियाँ परफॉर्म कर रही थी तब नीचे आशीर्वाद लेने गई तो इसमें इतनी श्रद्धा है कि उस कन्या के चरण छो के राजपाल ने खुद आशीर्वाद लिया, इतने संस्कार। अभिनय हास्य विनोद उसमें सात्विकता हो और कई बार अभिनय हंसाने के लिए किए जाते हैं, जैसा अभिनय किया जा रहा है वैसा यदि जीने लगे तो फिर मामला खतरे में आ जाता है। इसलिए अभिनय की दुनिया जिसमें एक दिव्यता है सात्विकता है जिनमें, उनका भी अभिनंदन। भाई राजपाल यादव जी पहली बार पतंजलि योगपीठ और आचार्य कोलम आए, उनको एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 66वां गणतंत्र देश मना रहा है, 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ और तब से हम राष्ट्र की एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए संविधान को ही देश की व्यवस्था का प्राण मान करके उस पर हम भरोसा करते हैं। जैसे भगवान का संविधान वेद है, भगवान का संविधान क्या है, जैसे भगवान का संविधान वेद का विधान है, ऐसे ही राष्ट्र का संविधान राष्ट्र का प्राण होता है। और यद्यपि इसमें बहुत से संशोधन हुए हैं लेकिन आज राष्ट्र में एकता अखंडता संप्रभुता है, राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति सद्भावना है और 565 रियासतें थी जब अंग्रेजों से, अंग्रेजों की गुलामी से, उनकी पराधीनता से, परतंत्रता की बेड़ियों से 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत बलिदान कुर्बानी देकर के देश को आजाद कराया। और हम उस लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने 565 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत बनाया। नहीं तो हर एक राजा अपने राज्य को एक राष्ट्र के रूप में मानता था और कई सदियों से साल 6 महीना हुआ और कोई भी समर्थ हुआ राजा और दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। यही लड़ाइयां चलती रहती थी। बहुत कुछ जब से इस राष्ट्र का जन्म हुआ 1,96,08,115 वर्ष पुराने अपने सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, करीब 200 करोड़ वर्ष पुराना यह स्वाभाविक राष्ट्र भारत, क्योंकि 500 वर्ष से पहले का अमेरिका का इतिहास नहीं पता है, अमेरिकन्स को भी नहीं पता। 500 वर्ष पुराना राष्ट्र है अमेरिका, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति कहलाता है। 2000 वर्ष में सिमट जाता है पूरा यूरोप का इतिहास, जिन्होंने 70 से ज्यादा देशों के ऊपर अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम किया था। आज जब से मिडल ईस्ट में, सऊदी अरबिया में, इराक, ईरान और इन तमाम जो रेतीले देश हैं इनमें तेल पैदा हुआ, तब से वहां पर भी एक समृद्धि का बहुत बड़ा दौर शुरू हुआ। और एक पिछले अभी कालखंड था जहां पर इस्लाम ने अपने पैर पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया, उस इस्लाम का इतिहास भी 1400 साल पुराना है। 1400 साल पुराना इस्लाम, 500 साल पुराना अमेरिका, 2000 साल पुराना यूरोप का इतिहास, हम भारतीयों को गर्व है
आचार्य कुलम अपना पतंजलि विश्वविद्यालय, इसका हमने स्लोगन ये रखा है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हमें गर्व है कि विश्व की प्रथम संस्कृति के उद्घोषक हम भारतीय हैं। और ये 500, 1400, 2000 साल पुरानी नहीं, अपनी 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति है। और अपने उस सनातन संस्कृति के गौरव को आधार बना करके अपने हाथों से हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो फिर से पूरे विश्व का आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व कर सके, ऐसा भारत हमको बनाना है। आज उन 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत को, उनकी कुर्बानियों को, उनके आत्म बलिदान को प्रणाम करते हुए, और हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों से जिन अपने पुरखों ने अपने तप से, अपनी श्रद्धा से, शौर्य और पराक्रम से इस राष्ट्र का निर्माण किया, भद्रम इच्छन्त रेषः सर्वविधा तपो दीक्षाम उपनिषेदुर अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मि देवा उपशमनमन्तु। ये जो राष्ट्र की कल्पना, और देखो आज हमारी आंखों के सामने सब कुछ है, इसलिए वो कैसी चीजें खड़ी होती हैं उसके बारे में शायद हम नहीं सोच सकते, लेकिन वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन की पूरी कल्पना और उसकी पूरी व्यवस्था, यह कोई छोटी बात नहीं होती है। व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र और विश्व की कल्पना और उसको आकार देना, यह काम अपने पुरखों ने किया। आज पूरी दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके मूल में अपने पुरखों का तप है, अपने पूर्वजों की पुण्याई को साथ में लेकर के। विवेकवान मस्तिष्क, पुरुषार्थ हमारी भुजाएं, प्रेम कृतज्ञता से करुणा से भरा हुआ हमारा हृदय, जिसमें हम समग्रता के साथ जीवन के पथ पर, वेद के पथ पर, सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, आत्म कल्याण और लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आज क्योंकि आचार्य कुलम से शुरुआत होकर के और पतंजलि आयुर्वेद तक दिन भर ये गणतंत्र दिवस पर समारोह रखे गए हैं, और उसकी शुरुआत यहाँ के बहुत ही तेजस्वी बच्चों ने की है, और उसमें हमने संस्कृत से लेकर के हमारा जो त्रिभाषा का सिद्धांत था कि अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, उसके साथ साथ अपनी मूल भाषा संस्कृत, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी सहित तमाम वैश्विक भाषाओं के बोध के साथ एक ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण हो जिनमें दिव्यता हो, और दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व जब राष्ट्र और विश्व को मिलेगा तब ये वेदों का उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अत्र कण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो आरावणः, ये संकल्प पूरा होगा। मैं जो प्रभात में बात कह रहा था ध्यान के वक्त, उसको दोहराता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा। मैंने कहा था आज मोदी जी को दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राष्ट्र का, जो आज ज्ञान शक्ति से, सैन्य शक्ति से, अर्थ शक्ति से पूरी दुनिया में शिखर पर माना जाता है। ओबामा का एक व्यक्ति का महत्व नहीं है, क्योंकि वो इस उस देश को रिप्रेजेंट करता है जिस देश के लोगों ने बहुत पुरुषार्थ करके 500 वर्षों में उसको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन वो व्यक्ति कहां से आया? उस व्यक्ति के मां बाप इतने निर्धन थे कि अपने बच्चे की पालना ठीक से नहीं कर सकते थे। आज ओबामा जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, उसके माता पिता के पास उसे पढ़ाने के लिए, अच्छा भोजन खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके माता पिता माइग्रेट करके, अर्थात अपना वतन छोड़ करके, अफ्रीका छोड़ करके अमेरिका गए इस उम्मीद में कि हमारी किस्मत जाग जाएगी, हमें भी जीने का कुछ आधार मिल जाएगा। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाने वाला उसका व्यक्ति जो शिखर पर है,
वो भी अभाव और संघर्षों में वंचितों के बीच पैदा हुआ, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसका भी आज भारत को रिप्रेजेंट करने वाला प्रधानमंत्री वो भी एक अत्यंत गरीब परिवार में, जहां पिता चाय बेचा करता था, नरेंद्र मोदी कप धोया करता था, और वहां से उसकी जीवन की यात्रा शुरू की, दोनों ही वंचितों के बीच में, अभावों और संघर्षों अंधेरों के बीच में पैदा हुए। और हमने जब ओबामा जी यहां पर आए तब भी हमने एक अपने संदेश में कहा था अपने ट्विटर पर और फेसबुक पर कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के दो ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं जो अभावों और संघर्षों के बीच में, वंचितों के बीच में पैदा हुए हैं। आज भी 700 करोड़ से ज्यादा की इस दुनिया के आधे से ज्यादा लोग वंचित हैं, शोषित हैं, वो इनजस्टिस में जी रहे हैं, उनको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिला है। ये दो व्यक्ति यदि आज एक होकर के और ऐसे वंचित लोगों के अधिकारों को उनको दिला सके तो मुझे लगता है ये इस धरती के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब अपने बारे में एक बात, जो सामर्थ्य ओबामा में है, जो सामर्थ्य नरेंद्र मोदी जी में है, उससे ज्यादा सामर्थ्य आप लोगों में है। क्योंकि दोनों को ही वो अवसर नहीं मिले जो अवसर आप लोगों को मिल रहे हैं, इसलिए मैं तो आपको ओबामा जी और मोदी जी से भी बड़ा देखना चाहता हूं, क्योंकि उनसे ज्यादा सुंदर वातावरण आपको मिला है, इतना ऊंचा परिवेश मिला है, आप छलांग लगाएंगे तो ओबामा और मोदी जी से भी ऊंचाई पर जाएंगे। इतने बड़े हौसले के साथ, ऐसे शौर्य पराक्रम के साथ, अदम्य साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपका भी यश स्काई इज द लिमिट, आसमान से भी बड़ा होगा। अरे एक लोक की बात क्या, हम तो वेद का उद्घोष उसको अपने जीवन में जीते हैं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहिता अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदाघृतम मे चक्षुमृतम आसन अर्कस्य धात रजसो यमान अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। मैं एक नहीं, दो नहीं, मैं तीन लोकों पर विजय पाने वाला हूं और अपने पराक्रम से एक नया इतिहास घड़ने वाला हूं। ऐसे संकल्प के साथ आप जिए। आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले भारत माता की जय। वंदे वंदे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।